नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के हवनपुरा गांव में के पास बदमाशों ने भाजपा नेता को गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया है। बताया जाता है कि भाजपा नेता रणधीर सोनल सिंह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर गंगा स्नान करने जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं बेहतर इलाज के लिए उन्हें पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और बताया जाता है कि वो रहुई में भाजपा मंडल के महामंत्री थे। वहीं घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज अभी हमें आधे घंटे पहले थाना पदाधिकारी थाना प्रभारी द्वारा सूचना मिली, मेरे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सोनल सिंह भाजपा मंडल महामंत्री हैं वर्तमान में, पत्नी के साथ बाढ़ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और हवनपुरा के निकट अज्ञात अपराधियों द्वारा बाइक से ही किसी ने आकर उन्हें गोली मार दी। हमें सूचना मिला, अभी हम अपने और थाना प्रभारी साथ में हमारे सरपंच पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं यहां और अभी इन्हें पटना रेफर किया जा रहा है सोनल से। अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं चल सका है कोई विवाद। जदयू के बरबीघा विधायक सुदर्शन ने अपने पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुदर्शन ने कहा कि अशोक चौधरी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेता अरविंद सिंह का रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गठबंधन के साथ जनता दल यूनाइटेड आज अंदरूनी कलह का शिकार बना हुआ है। जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो घमंडिया गठबंधन के सबसे घमंडी व्यक्ति हैं और वो राजद के इशारे पर जदयू को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और सारे नेताओं को नीचा दिखाना करके वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो तो एक समय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आंत का दांत तोड़ने का जो प्रण किया था वो तोड़ करके दिखा रहे हैं। जदयू को नेस्तनाबूद और समाप्त करने पर लगे हुए हैं और जहां तक भाजपा में टिकट का बात है वो भाजपा के नेताओं को भी पता नहीं रखता है। ये जनता की पार्टी है और कार्यकर्ता की पार्टी है, ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। सभी के निर्णय से टिकट दिए जाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व के टिकट से दिए जाते हैं। और जहां तक बात है जनता दल यूनाइटेड में, सारा बिकाऊ माल है और टिकट भी बिकाऊ है। तो ये सब विषय जनता दल यूनाइटेड में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी संगठन और राष्ट्रवादी पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड में आपसी घमासान मचा हुआ है जिसको कोई संभाल अब नहीं सकता। जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।